हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल संजय पासी मेटल डिटेक्टर्स में। दोस्तों जो है आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ वैंकस 540 मेटल डिटेक्टर। आप देख सकते हैं दोस्तों, माइनलैब का बेहतरीन मशीन है ये। दोस्तों जो है हमें कुछ कस्टमर्स ने बताया कि जो है इसमें डेप्थ नहीं मिल पा रही है। वो किस लिए नहीं मिल पा रहा है आज हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसका हमने जो है पिछले वीडियोज़ में इसका लाइव डेमो हमने बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। और आज मैं जो है लाइव डेमो फिर से बना रहा हूँ, ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं हमें डेप्थ नहीं मिल रहा है, वो डेप्थ किस लिए नहीं मिलता, इसी वीडियोज में आपको ये सब क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं मेटल डिटेक्टर खरीदने के लिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो है आपको बता देता हूँ कि पहला जो गड्ढा आप लोगों को दिख रहा है वो है 2 फीट पे, दूसरा वाला जो दिख रहा है वो 3 फीट पे है, चौथा जो है सबसे नीचे है और पांचवा सबसे लास्ट वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 फीट का टोटल हमने खड्डा कर रखा है। तो सबसे पहले मैं जो है 2 फीट वाले खड्डे पर जो है लगाता हूँ। ये कटोरी दिखाना, हाँ ये कटोरी है। मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ मशीन को कॉइन हंटिंग में, जिस पर डॉलर बना होता है, और मैं ऑल मेटल पे ही मशीन को चला करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने जो है मशीन को सेट कर दिया है। ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस अपने आप ले लेता है, ये ज़मीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। मशीन साउंड कर रहा है, अभी कॉइन हंटिंग पे है। मैंने इसको जो है सेंसिटिविटी फुल कर रखा है। अगर आप ग्राउंड पर जा रहे हो सेंसिटिविटी फुल ही कर रखो, तभी ज़्यादा आपको डेप्थ मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये कॉइन हंटिंग का साउंड है। अगर मैं इसी जो है रेलिक हंटिंग करता हूँ और ऑल मेटल कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, अगर आप जिस पर तलवार बनी होती है वो करते हो तो जो है डेप्थ इसमें आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं जो है इसको करता हूँ ज्वेलरी हंटिंग करता हूँ, आवाज़ बढ़िया कर रहे हैं। कस्टम वाले पर भी आपको दिखा देता हूँ, ऑल मेटल करता हूँ, ये सभी पे करता है, ठीक है। अब अगर जो है मैं इसी मेटल्स को अगर 2 फीट पर लगाता हूँ, बेटर रहने दो, ठीक है। 2 फीट पर उसी मेटल्स को मैंने रख दिया, मशीन नहीं आवाज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा मेटल्स हो गया। अभी मैं कस्टम वाले चला रहा था, अब मैं जो है कॉइन हंटिंग पर ला दिया, नहीं आवाज़ कर रहा है। रेलिक हंटिंग पे लाता हूँ, हल्का हल्का सिग्नल आ रहा है रेलिक हंटिंग पे, बहुत ही वीक है, जो कि आप पहचान भी नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। कस्टम ज्वेलरी हंटिंग पे फिर से लाता हूँ, नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। रेलिक हंटिंग पे हल्का हल्का सिग्नल आ रहा है। अब इससे थोड़ा बड़ा मैं मेटल लगाता हूँ, बड़ा मेटल लगाना, हाँ इसको दिखा देना वीडियो में, हाँ ये। अब मैं फिर से जो है आप लोगों को दिखाता हूँ कॉइन हंटिंग पे। ये कॉइन हंटिंग का है, परफेक्ट साउंड नहीं आ रहा है, बहुत ही लाइट साउंड आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, जो कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि मेटल का सिग्नल है फालतू का सिग्नल है, ठीक है दोस्तों। ये है कॉइन हंटिंग पे। अगर मैं इसी को रेलिक हंटिंग पे कर देता हूँ और ऑल मेटल कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो रेलिक हंटिंग है, नहीं जिसको तलवार बना है दोस्तों, उस वाले मोड पे अगर चलाते हो तो साउंड देखो तेज हो गया। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि जो है कि मेटल गहराई में है। अगर आपको ज्यादा गहराई चाहिए तो दोस्तों जो है आप रेलिक हंटिंग ही चलाना। अगर मैं जो है इसको ज्वेलरी हंटिंग पर करता हूँ और ऑल मेटल पर कर देता हूँ, ठीक है, साउंड आ रहा है, ठीक है, हल्का साउंड आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जो है कस्टम वाले पे कर देता हूँ, फिर से कस्टम वाले पे भी साउंड आ रहा है। सेंसिटिविटी मैंने सभी का फुल कर रखा है, सभी पे भी, ठीक है। अब साहिल थोड़ा इससे बड़ा मेटल लगाना, 3 फीट पर लगा देना, ठीक है, मेटल दिखाना, हाँ ये देखो लगाना, हाँ ठीक है। अब मैं उस थाली से थोड़ा बड़ा थाली लगा के रखा हूँ और कस्टम हंटिंग पे हूँ मैं, ये देखो
बढ़िया परफेक्ट साउंड आ रहा है क्योंकि बड़ा मेटल हो गया। अब मैं जो है डॉलर पे आ गया, कॉइन हंटिंग पे, साउंड अच्छा आ रहा है। फिर से रेलिक हंटिंग पे आ गया मैं, ये देखो रेलिक हंटिंग क्या है कि मेटल बड़ा है तो आपको आइडिया भी दे देगा, काफी दूर में आवाज कर रहा था इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेटल बड़ा है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इसी भी मैं ज्वेलरी हंटिंग करता हूँ। ज्वेलरी हंटिंग पर चलाते हो तो ऐसा लग रहा है कि पिन पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, इससे आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मेटल छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, ये देखो, ओके, ये पॉइंट पे ओनली कैच कर रहे हैं। कस्टम वाले पे एक बार दोबारा से मैं करता हूँ, कस्टम वाले पे, कस्टम वाला भी पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं जो है यहीं पर रेली हंटिंग करता हूँ, ये देखो लॉन्ग बीप कर रहा है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा मेटल गहराई में है। ठीक है, और यहाँ पर डेप्थ का आइडिया भी देता रहता है थोड़ा, इससे और बड़ा लगाना। इसको अगर मैं चौथे फीट पर लगाता हूँ, चौथे पर लगाना एक बार, हाँ चौथे पर लगाना, देखो कैच करता है नहीं कैच करता। अभी मैं जो है इसको कर देता हूँ, कॉइन हंटिंग पर करता हूँ, बिल्कुल नहीं कैच कर रहा है। अगर मैं इसको रेलिक हंटिंग पर कर देता हूँ, हल्का साउंड आ रहा है, बहुत ही हल्का साउंड। ठीक है, रिंग वाले पे करता हूँ ज्वेलरी हंटिंग, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस पे कस्टम पे करता हूँ, कस्टम पे भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि जो है रेलिक हंटिंग पे चलाता हूँ, ये देख सकते हो रेलिक हंटिंग पे साउंड आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उससे बड़ा मेटल लगाता हूँ, बड़ा मेटल लगाना साहिल, हाँ ये बड़ा मेटल से लगाना इसको, ये रेलिक हंटिंग पे चला रहा हूँ दोस्तों, ये देखो साउंड आ रहा है। मैं इसको जो है ज्वेलरी हंटिंग पे करता हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा, हल्का सा आ रहा है बस, जो कि आप पहचान नहीं सकते कि मेटल है कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको ना मात्र का मानो आप। कस्टम वाले पे करता हूँ, इस पे भी आप समझ नहीं सकते हो कि मेटल है कि नहीं है। ठीक है, कॉइन हंटिंग पे करता हूँ इसको, कॉइन हंटिंग पे बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि जो है मात्र रेलिक हंटिंग पे कर रहा है, ये देखो। ठीक है, इससे अगर मैं बड़ा मेटल लगाता हूँ, एक बार बड़ा लगाना साहिल जिस पे बैठे हुए, हाँ लगाना, ये बड़ा मेटल है, चार फुट पे लगा, ये देखिए। ठीक है, रेलिक हंटिंग पे चला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, चार फीट पे परफेक्ट साउंड दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जो है ज्वेलरी हंटिंग पे करता हूँ, ज्वेलरी हंटिंग पे साउंड आ रहा है, लेकिन बहुत हल्का आ रहा साउंड, लाइट साउंड आ रहा है साउंड। कस्टम वाले पे करता हूँ मैं, कस्टम वाले पे भी बहुत हल्का आ रहा है, जिससे कि आप पहचान नहीं कर पाओगे कि मेटल है कि नहीं है। ठीक है, कॉइन हंटिंग पे करता हूँ, नहीं पहचान पाओगे कि मेटल है कि नहीं, केवल और केवल आप मात्र रेलिक हंटिंग पे ही आप समझ पाओगे कि मेटल है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे थोड़ा मैं, अगर मैं यहीं पर तो स्टील लगाया हूँ, अब मैं पीतल लगाता हूँ। अंशु, हाँ पीतल लगाना, ये पीतल है, हाँ मैं इसको लगा करके देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टील पर चेक कर रहा था, तो कुछ लोग कहेंगे सिर्फ स्टील ही दिखाते हो, अदर मेटल पर नहीं दिखाते हो, तो मैं अदर मेटल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं रेलिक हंटिंग पर चला रहा हूँ, रेलिक हंटिंग पर बहुत हल्का साउंड आ रहा है इसका, ठीक है, जो कि साउंड वीडियोस में नहीं आपको सुनाई देगा।
बिल्कुल नहीं आ रहा है, कस्टम वाले करता हूँ उसको भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, कॉइन हंटिंग करता हूँ बिल्कुल नहीं आ रहा है, रेलिक हंटिंग पे हल्का साउंड आ रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत हल्का, जो कि आप पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि जो है ना ही समझो कि 4 फीट पे जो है अगर मैं पीतल लगा रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। रेलिक हंटिंग पे भी 3 फीट पे लगा करके देखता हूँ, साहिल 3 फीट पे लगाना, 3 फीट पे लगाऊ, हाँ ठीक है, ये देखो 3 फीट पे बहुत ही परफेक्ट साउंड आ रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी को ज्वेलरी हंटिंग करता हूँ, ये देखो ज्वेलरी हंटिंग का साउंड ये है, कस्टम हंटिंग करता हूँ ये भी हल्का आ रहा है साउंड, ठीक है, कॉइन हंटिंग का आपको दिखा देता हूँ, पहचान नहीं कर पाओगे कॉइन हंटिंग का, ठीक है, रेलिक हंटिंग पर साउंड बढ़िया आएगा ये, तो देखा दोस्तों मैंने हर मोड पर जो है इसको चला करके आप लोगों को दिखाया, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर मेटल्स को टेस्ट कर लिया, पहले छोटा मेटल लगाया फिर उससे बड़ा मेटल लगाया, तो आपको काफ़ी आइडिया इस वीडियोस में मिल गया होगा कि अगर आप जो है या मेटल डिटेक्टर चलाते हो, वैंकस 540 या कोई भी मेटल डिटेक्टर चला रहे हो तो कौन से मोड पे चलाना है, ये दोस्तों आप एक बार यूजर मैनुअल में भी लिखा होता है कि आप कौन से मोड में अगर चलाते हो तो आपको ज़्यादा गहराई मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियोज़ में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके सामने लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर कुछ नया मेटल डिटेक्टर लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।